नमस्कार दोस्तों, अब आप लोगों को एक और नई चीज़ बताएंगे। इस मल्टीमीटर से कौन सा कंपोनेंट या कौन सा सिग्नल, कौन सा वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, एक DSO की तरह ये बिहेव करेगा और कैसे, यानी डिजिटल से भी बेटर रिस्पांस ये देगा ये मल्टीमीटर एनालॉग। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा टूल्स का जो बात होता है, तो सबसे बड़ा जो हमको मिला है टूल्स, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है ये टूल्स, और ये सभी के पास होता है। सबका डिजाइन अलग अलग होता है, इसी प्रकार से उनका ये जो काम करने का फंडामेंटल होता है वो भी एक डिफरेंस होता है। ये कुदरत का बनाया हुआ टूल्स होता है, इसमें ये नहीं कि दो स्पीकर लगाकर अपडेट कर दिया गया या चार आँख कर दिया गया, ये कुदरत का बनाया हुआ है। दो ही आँख है, चार आँख कभी अपडेट नहीं हुआ। ये सब अपडेट होते रहते हैं, डिजिटल होते रहते हैं, DSO बनते रहते हैं। एक हम लोगों का मेजरमेंट के लिए एक टूल्स है, जो कि हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे किसी ग्लास को, जैसे हमारी एक लिमिटेशन होता है, आँख होता है कि इतने ही तक हम देख पाते हैं, लेकिन उससे जब कोई चीज़ जाने जगह से अनजाने जगह पे जब हमको जाना होता है, तो उस चीज़ में टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम लेंस को डेवलप कर लेते हैं, तो लेंस में भी कई कैटेगरी के लेंस होते हैं, किसी फिक्स नहीं होता कि हाँ एक ही लेंस हर जगह काम करेगा। तो ऐसे ये टूल्स है, जो डिजिटल है हमारा उसका अपने जगह पे अलग है काम, इसका अपने जगह पे अलग है। अब डिफरेंस क्या है, जब इसकी बहुत ही गहराई में आपको हम दिखाएंगे तो आप समझेंगे। इसमें समझने का जो सबसे मेन फंडामेंटल है वो है, जब आप पहले देखते थे कि ये जो हमारा यहाँ का जो पल्स है, पूरे बॉडी का सिस्टम यहाँ पे बताता है, यहाँ पे, और वो कैसे बताता है, अप डाउन से, और इसकी काउंटिंग होती है मेजरमेंट, और मेजरमेंट कौन कर रहा होता है, उंगली लगी है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, और पूरे बॉडी का सिस्टम इस एक मिनट के अंदर हम जो है कैलकुलेट करके सारे सिस्टम को बता देते हैं। जो भी डॉक्टर हैं वो लोग भी जानते हैं, और इसी का देखिए टूल्स निकला है, कि जो मेजरमेंट हम उंगली से ऐसे करके जान लेते थे, बता देते थे, तो वही मेजरमेंट अब देखिए यहाँ पे लगाने पे वही पल्स की काउंटिंग करके हमको डिस्प्ले के रूप में मिल जाता है। इसमें हमको यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ता था, और जो है हम बताते थे कि हाँ इतना पल्स चला, और उसमें क्या है, यही काउंट करके वो डिस्प्ले के रूप में बता देता है, तो वो एक टूल्स हो गया। तो टूल्स चूँकि हम ही से निकला है, तो सबसे बड़ा टूल्स हमारे पास है, जो कि सभी के पास है, समझ रहे हैं। उसे यूज जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें डेवलप नहीं होती है। कोई सोचे कि मतलब जैसे किसी चीज़ का यूज ना करें, हम दूसरे के सहारे रहें, तो वो चीज़ें क्या होता है, वो एक्टिव नहीं हो पाता। कोई भी हमारा सिस्टम है उसे जब एक्टिव किया जाता है तभी उसके काम को जान सकते हैं। जैसे मोबाइल में देखें बहुत सारे फीचर हैं, आप जिस फीचर को यूज करेंगे तभी वो काम आएगा, और अगर आप उस फीचर को यूज ही ना करें तो वो कितना भी स्मार्ट मोबाइल हो वो बेकार है। तो ऐसे आपका जो स्मार्टनेस है उसे यूज करें, उससे डरे नहीं। कोई भी चीज़ हो, किसी के कहने से या किसी के बोलने से या अंदर डाउट नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत का बनाया हुआ है, क्या पता किसके अंदर कौन सा स्मार्टनेस छुपा हो। तो अगर कुछ भी इंटरनल आए तो वो चीज़ें आपको जानना चाहिए। और हर चीज़ देखिए हर कोई नहीं जान सकता, हर व्यक्ति को, हमको भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हर व्यक्ति को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, कोई अपने में पूर्ण नहीं है। तो ये सोचकर जो है आप ये ना रहें कि हम जो है हम सब कुछ जान लिए, अब जानना नहीं है। इसका एक पीक होता है, आज हमारा जो है साइंस एक पीक तक पहुंच गया है, यानी अपने जो लिमिट होता है वहां तक पहुंच गया है, लेकिन अभी इसकी लिमिट ख़त्म नहीं हुई। इसकी लिमिट आज भी अपर लिमिट है इससे ऊपर की, ये आज मैं बता दे रहा हूं, इसलिए कि देखिए इस समय जो है चैनल काफ़ी व्यूज डाउन हो रहे हैं। जो यूट्यूब का कुछ सिस्टम है, एल्गोरिदम है, वो शायद ये हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए, शॉर्ट्स का वैल्यू ज़्यादा इस समय हो है या क्या है वो उसका सिस्टम समझे जाने, लेकिन आप हमारे चैनल का नाम अगर जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे चैनल आपके सामने आए गए होंगे तो बहुत लोगों के नाम भी नहीं याद होंगे,
तो आपको हो सकता है कि सर्च करना पड़े, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन ना पहुंचे, या जिन लोगों के नोटिफिकेशन ऑन नहीं वो ऑन कर लें। और हम बहुत सारे नॉलेज ऐसे शेयर करेंगे जो आप कभी इस चीज़ के बारे में सोचे नहीं होंगे, क्योंकि कुदरत का दिया हुआ ये सब सारे सिस्टम है जो कि किसी किसी को देता है, और वो कोई शेयर करता है, कोई अंदर ही रख लेता है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिलता है। तो हम जितना हमारे पास है हम आप लोगों के साथ जो उसका शेयर करेंगे, एनालॉग के बारे में बताएंगे, इसके टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, तो आपको बहुत एक आश्चर्य लगेगा और बहुत ही फास्ट काम करेगा, डिजिटल से भी बेटर रिस्पॉन्स देगा ये हमारा जो एनालॉग। और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे माइक्रो सिस्टम को ये रीड करके चेक करके आप जान सकते हैं, कि आपको ये भी ना मालूम हो कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, कितना मिली वोल्ट है, लेकिन इसके नीडल से आपको बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।